Hello everyone, so today we are going to replace the air filter and the cabin filter of my Etios Liva. It is a very simple process, you don't need any tools. So this costed me about 238 rupees and this costed me about 205 rupees. I purchased these parts from bootmore.com. I had a really good experience with them. And guys, always remember, you should always go for genuine parts, especially air filter and oil filter. Cabin filter, you can use a good aftermarket substitute. So let us go have a look at how to replace these. So दोस्तों, अब हम इसका एयर फिल्टर चेंज करेंगे. बोनेट खोलने के बाद आपको ये इंजन कवर दिखेगा, ये आपको खोलना है, ये क्लिप्स खोल के, और आपको ये लेचेस खोलना होगा और पुराना एयर फिल्टर निकाल के आपको एक कपड़े से पूरा अच्छे से साफ करके लेना है. अच्छे से, और उसके बाद जो है ये आपका नया एयर फिल्टर है मेरे पास, ये आपको बस इसमें डाल देना है, और ये इंजन कवर, और ये इंजन कवर फिर से फिट कर देना है. आप देख सकते हैं पुराना एयर फिल्टर कितना गंदा था और नया एकदम अच्छा है. अभी दोस्तों हम इसका केबिन फिल्टर चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको आपकी जो पैसेंजर सीट है लेफ्ट हैंड साइड की, उसके नीचे जाना होगा. फिर ये जो आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे दो क्लिप्स मिलेंगे आपको, ये क्लिप्स को आपको बस सब खोलना है, ये निकल जाता है. और ये जो पुराना एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर नहीं सॉरी केबिन फिल्टर, वो आपको ऐसा थोड़ा खींच के निकालना है. थोड़ी धूल ऑलरेडी निकलना शुरू हो गया. ओहो, देख सकते हो कितना कितना कचरा निकल रहा है दोस्तों. वो भी मैंने लास्ट मंथ साफ किया था, तो भी कितना आप देख सकते हो. और एक ये है आपका पुराना एयर फिल्टर, और ये हमारे पास है नया एयर फिल्टर. कितना डिफरेंस है दोस्तों, मैं चेंज ही करने वाला हूँ. सो बस आपको क्या इसके अंदर ये नया वाला डालना है और काम खत्म.